मैं आपको जो टोटल दे रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट चैनल आपका है, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस टाइप का शॉर्ट वीडियो बनाओ, आपका चैनल 101% आपका ग्रो भी होगा, व्यूज भी आपको अच्छा आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर, इसमें आपका वेलकम है। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल भी बहुत ही गजब है और सब दिन से अलग है, और इस ट्यूटोरियल का भी वीडियो अगर आप बना के डालेंगे तो इस टाइप का वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। और बाकी जो देखिए, अब इस वीडियो के अंदर जो इफेक्ट मैं यूज करूंगा, लाइटिंग वाला, जो दीवार पे मैं ऐसे उंगली की मदद से ऐसे करता हूँ नीचे से, लाइटिंग वाला जो पिक्चर पिक्चर करते हुए आता है, ये वाला इफेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लें। आपको इफेक्ट यही नहीं, और भी मेरे बहुत सारे इफेक्ट जितने भी मैंने वीडियो में यूज किए सारे डाल रखे हैं, आपको सभी इफेक्ट मिल जाएंगे, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए देखो, मैं हेल्पफुल वीडियो ले लेके आ रहा हूँ, नई नई वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि आप आगे बढ़े, मेहनत करिए, काम करिए, 101% आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि हमने वीडियो को शूट कैसे किया है, और वीडियो एडिटिंग के पहले का देख लीजिए और एडिटिंग के बाद का देख लीजिए। तो इस टाइप से देखो, इधर आपका वीडियो चल रहा होगा एडिटिंग के बाद का, और इधर वीडियो मेरा चल रहा है एडिटिंग से पहले का। तो इस टाइप से आपको वीडियो को शूट कर लेना। अब ये नहीं कि आपको मेरी तरह ही एक कोई दिवाली ढूंढनी है, आप कहीं पे भी इस वीडियो बना सकते हैं, पेड़ पे बना सकते हैं, यानी ट्री में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, किसी पे भी लेके इस टाइप को वीडियो आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एडिटिंग की ओर, सीधे काइन मास्टर। तो दोस्तों सबसे पहले हम काइन मास्टर अपना ओपन कर लेते हैं, क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो लेके हम क्रिएट करेंगे, शॉर्ट वीडियो है हमारा, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना वीडियो को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वीडियो लेके आ जाते हैं, ये हमारा वीडियो आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे कहाँ से हमें देखिए एक्स्ट्रा पार्ट कट करने हैं। तो देखिए हमारा वीडियो कहाँ से शुरू होगा, पहले ये देख लेते हैं, हमारा वीडियो यहाँ से शुरू होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैंची में जाएंगे और इसको ट्रिम लेफ्ट करेंगे, आगे का हमारा हिस्सा कट जाएगा। अब हमको आगे आना है, स्टेप से आगे आने के बाद में देखना है हमारा वीडियो कहाँ तक एंड है। तो ये वीडियो हमारा यहाँ एंड हो गया है, ये यहाँ से हमारा एंड हो गया। तो हम इसको सीजर में जाएंगे, कैंची में, यानी कि इसको ट्रिम राइट करेंगे, हमारा इधर वाला राइट वाला हिस्सा कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने वीडियो को शूट किया था, बहुत तेज़ धूप था दोस्तों। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे स्टेप से, ठीक है, स्टेप से हम कम कर लेंगे, इसको हल्का हल्का एडजस्ट कर लेंगे स्टेप से। तो ये हमारा काम हो गया फिलहाल, हल्का हल्का एडजस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, इसका 1 जो है इसका 5 कर लेंगे, स्पीड जितना रहेगा तो वीडियो की लेंथ भी हमारी कम हो जाएगी। तो अब ये जैसे हम यहाँ से इधर को अंदर गए, तो यहाँ से अब करेंगे हम वीडियो को स्प्लिट, हम जाएंगे कैंची में और यहाँ से स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट करेक्टर हमारा जैसे चालू हुआ, ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट करेक्टर जैसे यहाँ से चालू हो गया। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसको ट्रिम लेफ्ट कर देना है, यानी बीच वाला हिस्सा इतना निकाल दे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए सब ये आपको यहाँ पे शुरू में आना है, शुरू में आने के बाद में यहाँ पे आपको कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, कैप्चर पे जाना है और यहाँ पे कर देना है आपको कैप्चर एंड एएस लेयर पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका कैप्चर होके आपकी लेयर में आ जाएगा। तो अभी देखिए हमारा कैप्चर यहाँ पे होके आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको कर देना है फुल, और यहाँ से आपको ये हाफ वाला ले लेना है, ठीक है, और इसको आपको यहाँ पे सेट कर देना है स्टेप्स, ठीक है, ये आपने स्टेप से सेट करना है। अब सेट कहाँ पे मिलाना है इसको, अब आपको मिलाना है इसको, जैसे अब आपने यहाँ से उंगली किया ये, तो आपको यहाँ से इधर को मिलाना है, इसको इतना मिलाना है। अब आप इधर को जब अंदर जाएंगे यहाँ से देखिए, तो ये आपका स्टेप से बन गया, ठीक है। तो आपको इतना सा रख लेना है, उसके बाद अब आपने जैसे लाइटिंग वाला इफेक्ट यहाँ पे लेके आ जाना है। तो हम यहाँ पे अब जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे उंगली रखा है यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ये हमारी उंगली यहाँ से चलेगी, तो हम लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे और अपना वो वाला इफेक्ट ले आएंगे, इफेक्ट यहाँ से लेके आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हमारा इफेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से आगे का करेंगे हम ट्रिम लेफ्ट और इसको आगे लाएंगे और इसको यहाँ पे मैच करेंगे स्टेप से, ठीक है, स्टेप से हमें मैच करना है। अब मैच करने बाद हमें यहाँ पे कहाँ तक लाना है, जहाँ से देखिए हमने यहाँ से उंगली रखी है, तो इसका साइज भी हमें यहाँ तक करना है, ठीक।
अब आपको इसको जाना है ग्रीन स्क्रीन का, इसको रिमूव कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, इस पर क्लिक कर देना है और इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में इसका आप थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कलर कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये हमने किया और ये सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, ये थर्ड वाला, इस पर जाना है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको कलर चेंज कर लेना है। करने के बाद में आपको नीचे आना है और इस टाइप पर आपको देख लेना है कौन सा कलर आपको रखना है। जैसे मान ली ये कलर हमारा अच्छा लग गया तो हम इस पर ही रख लेंगे और इसको हम अब क्या करेंगे, अपनी उंगली पे सेट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस पर यहाँ पे यहाँ सेट करेंगे और इसको हम करेंगे थोड़ा सा जूम, वीडियो को जूम कर लेंगे, हल्का सा जूम कर लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे देखेंगे अब हमारा लाइटिंग इफेक्ट हमारा कहाँ तक रहेगा, उस चीज़ को आपको देख लेना है। अब जैसे आपने ये उंगली से यहाँ पर करेंगे और आप ये अंदर चले गए, ठीक है, तो यहाँ तक आपने मान लीजिए रखना है। तो अपना अपना यहाँ से जो है कैंची में जाके ये इफेक्ट वाला यानी लाइटिंग वाला को इसको ट्रिम राइट कर देना है, ऐसे कट कर देना है। इतना कट करने के बाद में अब आपने आना है शुरू में और यहाँ पे अब आपको की का यूज करेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पे उंगली से रखा है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारी उंगली जैसे यहाँ तक आई तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। देखो प्लस का आइकन मिला, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया और इसको हम यहाँ पर अपनी उंगली के पास लेके आ गए। फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इस टाइप से तो हमारी उंगली जैसे यहाँ पे आ गई तो हम यहाँ पे फिर प्लस करके और लाइटिंग को फिर हम इस टाइप से उंगली पे इस टाइप से टच कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे उंगली यहाँ तक आ गई तो हम प्लस करके इसको हम यहाँ तक ले आएंगे। ठीक, इस टाइप से और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे प्लस पे और इसको हम यहाँ पे उंगली पे रखेंगे लाके। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम इसको स्टेप से कर लेंगे और फिर आगे बढ़ के इसको बिल्कुल नीचे कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब आप इसको प्ले करके देखें कि हमारा वीडियो कैसा बना है। तो ये हमारा मैच हो गया था, तो अब ये देखिए हमारा ये बंदा आएगा, इससे कुछ नहीं होगा और ये ठोकर खा के चला जाएगा। तो यहाँ पे अब रह गया हमारा साउंड का काम। यहाँ पे आपको लाइटिंग वाला साउंड डाल देना है, तो साउंड जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपको। यहाँ पे केवल साउंड मैच करनी है और आपको अपने फनी जो भी आपको यहाँ पे क्लिप लगानी है वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आपको ऐड कर लेना। तो आई होप दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको समय से पहले पहुंच जाए और आप उसको देख पाए, क्योंकि मैं VFX रिलेटेड मैजिक वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।